प्रश्नता का विषय अंडमान निकोबार द्वीप वासियों को मिल रहा है कि हमारा पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजय परम रख दिया गया है। हम भारत सरकार के बहुत ही आभारी हैं, क्योंकि जो गुलामी की मानसिकताओं के ऊपर में हमारे इन आइलैंडों के नाम रखे गए थे। फिलहाल आपने देखा होगा, हमने नील और हैवलॉक का नाम बदल करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। बहुत लोग जानते भी नहीं है नील और हैवलॉक क्या थे। नील और हैवलॉक दोनों ने मिलकर के हमारी रानी लक्ष्मीबाई का वध किया था, और उनके नाम पर आज़ादी के बाद आज तक भी उनके नाम पर ये नील और हैवलॉक आइलैंड का नाम चल रहा था। उसको देश के प्रधानमंत्री ने हमारे शहीदों के नाम का एक प्रेरणा लेते हुए उनका एक का स्वराज द्वीप, दूसरे का शहीद द्वीप रखा। उसके बाद आप देख रहे हैं आज भी बहुत गुलामी की मानसिकताओं पर अबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, ये कोई नाम नहीं। अपने जो नाम अभी आज दिया है श्री विजयपुरम, ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर नाम है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा इससे प्रभावित होगा, पूरा जन जन मानस प्रभावित होगा कि हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, वो आज जंजीरें आज़ादी के बाद पहली बार टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आप सभी देशवासियों को। औरंगजेब ने इतने अत्याचार हमारे देश के ऊपर में किए थे, लेकिन आज़ादी के बाद अभी तक भी दिल्ली में औरंगजेब मार्ग नाम रखा हुआ था, लेकिन हमने अपने महान वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम जी के ऊपर में उसका नाम रखा। ये भारत सरकार, राष्ट्र के बारे में सोचने वाली सरकार, देश के प्रति सोचने की सरकार ही ऐसे निर्णय ले सकती है। आज पूरे द्वीपवासियों के लिए एक खुशी का पल है कि जिस प्रकार से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से एक एक करके उन गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का जो प्रयास किया है, उसी का एक कड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिला है। और कुछ पल पहले ही हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के द्वारा जो ट्वीट हमें प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने इस अंडमान निकोबार के पोर्डर शहर का नाम श्री विजयपुरम रखे, उसका पूरे द्वीपवासी और भारतीय जनता पार्टी हम हृदय से उसका स्वागत करते हैं। हम सबको जानना होगा कि आखिर में इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का वजह क्या है, क्योंकि ये पूरे द्वीपवासी और पूरा देश को ये जानना होगा कि ये पोर्ट ब्लेयर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक दुराचारी व्यक्ति का नाम, जो कि आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम से ही इस पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था। तो हमें जो है आज श्री विजयपुरम का जो नाम दिया गया है, वाकई में ये विजयपुरम भी हमें समझना होगा, क्योंकि ये अंडमान निकोबार ही है जो भारत को स्वतंत्रता का शुरुआत, जो विजय गाथा जो शंखनाद हुआ था, ये अंडमान की ही धरती से शुरुआत हुई थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सर्वप्रथम जो है इस अंडमान निकोबार द्वीप पर ही तिरंगा फहराया गया था उनके हाथों से, उसी विजय गाथा का ही एक प्रतीक है कि इस अंडमान निकोबार का श्री विजयपुरम जो है नाम रखना। ये हम पूरे द्वीपवासी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।